नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। बदायूं के पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव का बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव ने एक जनसभा को संबोधित करके अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का चुनाव है, क्योंकि बदायूं नेताजी की कर्मभूमि है और यहाँ से सैफई परिवार का गहरा रिश्ता है। आज पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और देश में संवैधानिक संकट है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए इस बार सोच समझकर वोट करें। देखिए, ऐतिहासिक तैयारी रहेगी और उत्तर प्रदेश के मैदान में जहां से देश की सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है। बीजेपी की भी दो बार सरकार उत्तर प्रदेश से बनी। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश ही बीजेपी की सरकार को बदलेगा और इंडिया की सरकार को बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच है और जनता पूरी तरह से बीजेपी से निराश है। मुझे यकीन है कि यही उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार को बदल देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि योगी सरकार ने मोहम्मद शमी के प्रतीक गांव अमरोहा के सहसपुर अली नगर में मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है और प्रशासन के इस घोषणा के बाद से गाँव के लोगों में खुशी का माहौल है, जहाँ ऐलान के बाद CDO अश्विन कुमार मिश्र और अन्य अधिकारियों ने जोया विकासखंड स्थित शमी के गाँव का भ्रमण कर स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस खबर के बाद शमी के गांव में काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। संभल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सपा सांसद का रिएक्शन सामने आया है और बयान के बाद सियासत भी गर्म होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों कहा कि किसी भी धर्म के बारे में बोलने का स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मी में इसमें ये मजहबी मामले में कोई दखल नहीं है ना। अखिलेश यादव ने फिर रात एक बयान दिया है, बोले किसी के धर्म को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, किसी के धर्म को लेकर कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी धर्म पर अटैक नहीं करना चाहिए। भाई, धार्मिक मामले धर्म के लोग जाने, उस धर्म के लोग जाने, हम उसमें की दखल दें ये नहीं होना चाहिए। ये सबके किसी की जाति राय कुछ भी हो सकती है, हो, लेकिन इसमें मजहबी मामले में दखल नहीं देना। देवरिया में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। मृणाल सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में बताया गया कि बेटियां आज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बेटियां बोझ नहीं है, इसलिए लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण हत्या ना करें, बेटियों को बेटे के समान अवसर प्रदान कर उन्हें शिक्षित करें। इस मौके पर DM ने कहा कि नुक्कड़ नाटक गहरे से गहरे संदेशों को सहजता के साथ आमजन तक पहुंचाने का अत्यंत सशक्त माध्यम है। मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत प्रमुख स्थलों ब्लॉकों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट 2024 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो चरणों में होंगी। पहला चरण 25 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। वहीं द्वितीय चरण में 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच होगा। दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर आवश्यक जानकारी और परीक्षकों को नियुक्ति की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से दी जाएगी। सुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से प्रयोगात्मक परीक्षाएं CCTV कैमरे की निगरानी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग और DVR प्रधानाचार्य द्वारा सुरक्षित रखी जाएंगी। मांगे जाने पर उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और यूपी बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा। हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पिछले वर्ष की तरह विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर होंगी। हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
इंटरमीडिएट की खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के माध्यम से यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। राजधानी के पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली, वाहनों का धुआं और स्थानीय प्रदूषण के कारक फिजा की सेहत बिगाड़ रही है और प्रदूषण कणों की हवा की गति कम होने से दिल्ली में सांसों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह आसमान में स्मॉग की चादर छाई हुई नजर आई, जिससे दिल्ली वासियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह मुंडका में 387, बमाना में 390, पंजाबी बाग में AQI 376 दर्ज किया गया है। कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूलों में छात्रों ने शिक्षिका पर यौन उत्पीड़न करने और धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था और छात्र ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद स्कूल के बाहर कई दिनों तक जमकर हंगामा हुआ था और छात्र के पिता ने कैंट थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मामले में जाँच की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शिक्षिका समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिस जो एप्लीकेशन मैंने थाने में दी थी, वही एप्लीकेशन सेम एप्लीकेशन मैंने कोर्ट में दी, उसी आधार पर धर्म परिवर्तन और पास्को के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया है। आप कितने समय से इसके लिए दौड़ रहे थे? मैं विगत 2 महीने से दौड़ रहा हूँ इसके लिए। आपको क्या लगता है कि पुलिस इस मुकदमे में लिखने में लापरवाही कर रही है? पुलिस ने ही मुझको, मेरी पत्नी को थाने से भी इंस्पेक्टर साहब ने भगा दिया। उन्होंने हर बार IGERS पे जो रिपोर्ट लगाई वो भी फर्जी लगाई कि हमने कोई साक्ष्य नहीं दिए, हमने सारे जबकि सबूत दिए थे। SHO कहीं ना कहीं मिली भगत है स्कूल प्रशासन से, जो हर तरीके से वो स्कूल प्रशासन का ही पक्ष ले रहे थे। मैं विगत 2 महीने से परेशान, ACP साहब 20 तरीके से कर रहे थे, मेरा मोबाइल 1 महीने से रखे हैं, मैंने सारे सबूत 1 महीने से दिए, वो मांग रहे थे और मेरी पत्नी को मतलब अभद्र भाषा का परिचय देते हुए मुझको थाने से भगाया गया। यह प्रकरण जनपद कानपुर नगर से संबंधित है। स्थानीय थाने को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप अंकित किए गए थे एक विद्यालय के टीचर के द्वारा जबरन यौन उत्पीड़न और मतांतरण के संदर्भ में कुछ आरोप अंकित किए गए थे। उन आरोपों की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और प्रकरण के संदर्भ में मोबाइल को प्राप्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भेजा जा रहा है। प्रकरण में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके क्रम में आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में पुराने रंजिश के चलते एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ SSP समर बहादुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वारदात करारी थाना इलाके के पवैया गांव की है, जहां शुक्रवार की रात 45 वर्षीय भोंदू सरोज की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं ASP समर बहादुर ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई है, मृतक के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। थाना करारी के ग्राम बड़ी पवैया में आज एक डेड बॉडी मिली है, जिनकी पहचान गांव के एक व्यक्ति के रूप में हुई है, जिनके बारे में बताया गया है कि इनको पीट पीट के इनके ही कुछ परिचित और आस पड़ोस के लोग हैं, जिनकी पुरानी रंजिश थी, इनके विरुद्ध पहले मुकदमा लिखाया गया था, उसी मुकदमे की रंजिश में आज इनको पीट पीट के मारा गया है। मौके पे पुलिस है, पंजीकृत है, जो नाम दे रहे हैं, जो मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं, उसमें हम विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।